उत्तर प्रदेश के मैनपुरी उप जिलाधिकारी के द्वारा कोविड 19 को देखते हुए जनपद के कई प्रसिद्ध मैरिज होम की व्यवस्थाओं को परखा गया। इस दौरान सभी को निर्देशित किया गया कि शादी विवाह समारोह के दौरान पार्किंग की व्यवस्था होना अति आवश्यक है तथा कोविड 19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करें। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। नियमों का पालन न करने की स्थिति में उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उप जिलाधिकारी के द्वारा जनपद के प्रतिष्ठित मैरिज होम पीपी गार्डन की सराहना भी की और कहा कि जनपद में इस तरह के मैरिज होम कम देखने को मिलते हैं जिसमें लोगों की सुविधाओं के लिए अच्छी तैयारियां की गई हैं, जिस पर उप जिलाधिकारी ने मैरिज होम की व्यवस्थाओं को परखा तथा बताया कि हर मैरिज होम पर इसी प्रकार की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। मैरिज होम्स का जगह जगह निरीक्षण किया है सर, क्या किन मानकों के तहत आपने इंस्पेक्शन किया है और क्या क्या खामियां पाई? आज मैनपुरी जनपद में, खासकर कि मैनपुरी शहर में जो भी मैरिज होम संचालित किए जा रहे हैं उसमें, क्योंकि अभी मैरिज का सीज़न आने वाला है, उससे पहले ही हम लोगों ने सभी मानकों पे, जैसे कि पार्किंग की क्या व्यवस्था है, कोविड के दृष्टिगत क्या व्यवस्था की गई है, आपके सीसीटीवी वगैरह हैं कि नहीं, सीटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है, और अन्य अधिनियम के तहत भी आज हम लोगों ने इनका निरीक्षण किया है और सभी को इतला दे दी गई है कि अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है या कोई भी कहीं कोविड के संबंधी में कहीं चूक हो रही है या कोई कमी में हमें कोई व्यवस्था में कमी दिखी है उसको हमने उनको दुरुस्त करने के लिए इनको निर्देश दे दिए हैं। और यही आशा रहेगी कि हमने जो जो आज सुझाव दिए हैं, जो जो कमियां इनकी दर्शाई है, उनको ये दूर करेंगे और आने वाला जो सीज़न है उसमें आमजनों को और जो लोग बाराती बन के आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.